जंगल के सभी जानवर राजा को खुश करने के प्रयास करने लगे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से प्रोफेशनल तरीके से एनिमल कार्टून वीडियो को किस प्रकार से बना सकते हैं। ऐसी वीडियो बनाने के लिए मेनली आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला है हमारा इमेज सर्चमैन और दूसरा है हमारा एनिमल पोजिंग, जो कि आपको प्ले स्टोर में आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इन एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अब हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। मैं आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप एनिमल कार्टून वीडियो को किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। तो यार, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तो चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ से हम इमेज सर्चमैन को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम सर्च करेंगे फॉरेस्ट कार्टून इमेज। तो दोस्तों, जैसे ही आप फॉरेस्ट कार्टून इमेज को सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे जंगल की जो है कि कार्टून इमेज आ जाएंगी। तो आपको यहाँ से जो भी इमेज अच्छी लगे आप अब यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से सिंपली हम एक इमेज को यहाँ से सिंपली डाउनलोड किए ले रहे हैं। तो जैसे कि हमको ये वाली इमेज अच्छी लग रही है तो सिंपली हम इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। और इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ से एक बार बैक आ जाएंगे और यहाँ से सिंपली हम एक ट्री को डाउनलोड कर लेंगे। तो आपके सामने यहाँ से बहुत सारे पेड़ खुल करके आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से जो भी ट्री अच्छा लगे तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। इस ट्री का उपयोग मैं आपको आगे एडिटिंग में बताऊँगा, तो ये हमारी एडिटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे कि हमारा जो वीडियो है एकदम प्रोफेशनल तरीके से लगने लगेगा। तो सिंपली हम यहाँ से इस ट्री के PNG को यहाँ से सिंपली डाउनलोड किए ले रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद सिंपली हम अपना जो है कि पिक्सल लैब ओपन कर लेंगे। पिक्सल लैब ओपन करने से जो हमने बैकग्राउंड को फॉरेस्ट बैकग्राउंड को डाउनलोड किया था तो उसको वहाँ पर एनिमेट करेंगे। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद यहाँ से न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और यहाँ से सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से इमेज साइज वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से कस्टम पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल पर टिक कर देंगे और यहाँ से विड्थ और हाइट को चेंज कर देंगे। तो सिंपली अब हम यहाँ पर 720 किए दे रहे हैं और यहाँ पर हम 1280 किए दे रहे हैं, जिससे कि जो हमारा शॉर्ट वीडियो का जो थंबनेल है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे और यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद सिंपली हमने जो बैकग्राउंड को डाउनलोड किया था तो उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद सिंपली हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद सिंपली हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको भी इसी प्रकार से अपने जो बैकग्राउंड को आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसको इसी प्रकार से एनिमेट कर लेना है। और इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, अपने को मिल जाएगा कॉपी का, तो सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद सिंपली हम इन दोनों को अच्छी प्रकार से मर्ज कर देंगे, जिससे कि जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो अलग ना दिखाई दे, एक ही बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाई दे। तो सिंपली हम यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इन दोनों ही बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी प्रकार से मर्ज कर दिया। तो सिंपली अब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से सेव एज इमेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि जो हमारी फ़ोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। और अब इसके बाद सिंपली हम एनिमल पोजिंग एप्लीकेशन को ओपन कर। तो दोस्तों, यहाँ से एनिमल पोजिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड का, तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने बहुत सारे एनिमल जो कि खुल करके आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से जो भी अपने स्क्रिप्ट के अनुसार एनिमल चाहिए तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे सिंपली हम यहाँ से एक चीता को यहाँ से ऐड किए दे रहे हैं और इसके बाद सिंपली यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इस डॉग को जहाँ से डिलीट कर देंगे तो यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि जो हमारा जो डॉग है वो यहाँ से सिंपली हट जाएगा और इसको अपने फिंगर की मदद से इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट पोज का, तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ से अगर आप यहाँ से वॉल पर क्लिक करते हैं तो ये चलने लगेगा और अगर आप रन पर क्लिक करते हैं तो ये दौड़ने लगेगा और यहाँ से अटैक पर क्लिक करते हैं तो अटैक करने लगेगा। तो आपको अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार पोज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हम यहाँ से
वॉलपेपर ऐड किए दे रहे हैं और यहाँ से अप्लाई पर टिक कर देंगे और इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ से हम बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसके बैकग्राउंड को यहाँ से ग्रीन किए दे रहे हैं और इसके बाद सिंपली यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा राइट ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देंगे जिससे कि जो हमारा मार्क है ये हट जाएगा। और इसके बाद यहाँ से इस आइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे जिससे कि जो हमारा जो पूरी तरह से ये हट जाएगा। तो सिंपली यहाँ से अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेंगे, तो ये हमारे जो है कि ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, तो ये सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप भी इस प्रकार से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके ये एनिमल को यहाँ से अपनी गैलरी में जो है कि सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद सिंपली यहां से हम बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे और यहां से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहां से अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हो तो यहां से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो 9:16 का रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली हम यहां से लॉन्ग वीडियो को बनाना चाहते हैं तो यहां से इस पर ऐड कर देंगे और यहां से क्रिएट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो दोस्तों यहां से हम एक ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ से सिंपली ऐड कर देंगे और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को हम अपने स्क्रिप्ट के अनुसार बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हम इसकी ड्यूरेशन को सिंपली 20 सेकंड तक किए दे रहे हैं और यहाँ पे इस एरो वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से हम उस फोटो को यहाँ से ऐड करेंगे जो कि हमने पिक्सल लैब के द्वारा जंगल की इमेज को यहाँ से क्रिएट किया था। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे और यहाँ से अपने फिंगर की मदद से इसको जूम कर देंगे और जूम करने के बाद सिंपली हम इसको यहाँ पर अच्छी प्रकार से एडजस्टमेंट कर देंगे और इसकी ड्यूरेशन को हम अपनी वीडियो के बराबर फुल कर देंगे और इसके बाद सिंपली हम इस पर टाइप करेंगे और यहाँ से आपको एक की का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट में एक की लगा देंगे और उसके बाद सिंपली हम लास्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर एक की लगा देंगे और उसके बाद सिंपली हम अपनी फिंगर की मदद से इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करेंगे जिससे कि जो हमारा जो हो कि बैकग्राउंड है वो अच्छी प्रकार से एनिमेट हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से अच्छी प्रकार से एनिमेट हो गया। अब इसके बाद सिंपली अब हम इसमें अपना एनिमल जो हो कि ऐड करेंगे, तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो हो कि ऐड किया था तो सिंपली यहाँ से उसको ऐड कर देंगे और यहाँ से ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रॉपिंग का, तो इस पर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे और क्रॉप करने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपने फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ से नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रोमा की, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे जिससे कि जो हमारा जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपने फिंगर की मदद से इसको यहाँ से सेंटर में ऐड करेंगे जिससे कि जो है कि हमारा जो और ही अच्छा दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद सिंपली मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो एनिमल है और बैकग्राउंड वो बहुत ही अच्छी प्रकार से एनिमेट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें एक ट्री का जो पेड़ है उसको ऐड करेंगे जो कि हमने डाउनलोड किया था। यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ से उस ट्री को यहाँ से सिंपली ऐड कर देंगे और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को सिंपली हम अपने वीडियो के बराबर फुल कर देंगे और इसके बाद सिंपली अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे और यहाँ से अपनी फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और बड़ा करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट कर देंगे और एडजस्टमेंट करने के बाद सिंपली इस पर टाइप करेंगे और यहाँ पर इसमें भी की ऐड करेंगे, तो यहाँ पर इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की ऐड करेंगे और यहाँ से इसके लास्ट पॉइंट पर भी एक की ऐड कर देंगे और इसके बाद सिंपली अब हम अपने फिंगर की मदद से इसको यहाँ पर जो है कि ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसमें भी एक की ऐड कर दिया। तो इसके बाद सिंपली अब हम आपको थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा वीडियो है बहुत ही अच्छी प्रकार से प्ले हो रहा है। तो दोस्तों आप भी कुछ इस प्रकार से एनिमल कार्टून वीडियो को बना सकते हैं। बाकी यार इसमें जो है कि आप अपनी वॉइस को ऐड करने के लिए यहाँ से इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और बैक आने के बाद इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे
और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रेजुलेशन को QHD 1440p रख देंगे और फ्रेम रेट को 30 पर रख देंगे और यहाँ से बिट रेट को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और यहाँ से सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि जो हमारा वीडियो है वो सिंपली गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों आप भी कुछ इस प्रकार से जो एक कार्टून वीडियो को बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही कम समय में जल्दी ग्रोथ पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।